हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे हो। आज हम लोग ने आपके लिए कुछ नया चीज़ या सीरीज लाए हैं जिसका नाम है इंडियन आईपीओ एनालिसिस सीरीज। इसमें जो भी अपकमिंग आईपीओ है उसके ऊपर हम लोग एक ब्रीफ एनालिसिस देंगे और ये एनालिसिस आपको गारंटेड है यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाकी जो भी बड़े यूट्यूब क्रिएटर है या छोटे यूट्यूब क्रिएटर है वो लोग एक पर्टिकुलर वेबसाइट या गूगल से जो रिव्यू मिलता है उसको एक ऑलमोस्ट तोड़ मरोड़ के कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं अपने चैनल पे, जिसमें एक्चुअल इंसाइट नहीं मिलता। हमारे चैनल पे आपको हर एक आईपीओ का एक्चुअल इंसाइट मिलेगा। जो एक्चुअल पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं वो आपको हम लोग प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो इस वीडियो को एंड इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा जो पॉइंट हम लोग आपको बता रहे हैं, एंड उसके बाद आप लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट ओपिनियन है वो फॉर्म कीजिएगा। वो आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये वीडियो पे पूरा देखने के बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो। आज हम लोग जो आईपीओ एनालिसिस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है फिडल सॉफ्टटेक। ये जो आईपीओ है एक एसएमई आईपीओ है, तो इसका कोई प्राइस बैंड नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा जिसमें फ्रेश शेयर्स इशू होंगे। तो इसका सब्सक्रिप्शन डेट आज से शुरू हुआ है, 30th मई से 2nd जून तक ओपन रहेगा और 36.48 लाख फ्रेश शेयर्स इशूड हो रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है इधर, जो मिनिमम बिड लॉट है वो है 3000 शेयर्स का, यानी आपका ऑलमोस्ट 1,11,000 रुपीज ब्लॉक होके रहेगा, जो मुझे लगता है एक एसएमई आईपीओ के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है। तो कंपनी ने जो एनएससी में अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है उससे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है, ये जो कंपनी अपने आप को एक लैंग्वेज टेक कंसल्टिंग फर्म बोल रही है। मैं इस वीडियो के अंत में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये लैंग्वेज टेक कंसल्टिंग फर्म है या नहीं। फिर उन्होंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सभी चीज़ों में अपना प्रेजेंस दिया हुआ है, बट एक्चुअली वो है या नहीं वो आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा। नाउ लेट्स सी दिस रिस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ इनका अगर रेवेन्यू देखिएगा तो लास्ट एक साल से ऑलमोस्ट फ्लैट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख रहा है, बट इनका जो बोरिंग्स के नंबर्स हैं वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में आपको पता चली जाएगा। ये जो कंपनी है ये मार्केट से ये जो फ्रेश इशू ला रहे हैं इससे 13.50 करोड़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू पढ़ें तो इसमें दिख रहा है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो लाइन है उसमें ही इनको सबसे ज़्यादा फंडिंग रिक्वायर्ड है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी वर्किंग कैपिटल में कुछ स्ट्रेस फेस कर रही है। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली कंपनी का डे टू डे जो ऑपरेशंस के लिए जो फंड चाहिए होता है उसके लिए लगता है। तो इससे ये पता चलता है जो कंपनी जो इशू ला रही है उसका जो पैसा होगा वो मोस्टली जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये मेरे लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है। वर्किंग कैपिटल का जो स्ट्रेस किस लिए हुआ है वो आप इस पर्टिकुलर नंबर से देख सकते हो। करंट फिनेंशियल ईयर में जो इनका जो कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उसका रिटर्न नेगेटिव है। सो आप समझ सकते हो कितने स्ट्रेस में है कंपनी। कंपनी एक फैमिली रन बिजनेस है जहाँ पे कुलकर्णी फैमिली इस कंपनी को रन कराती है। इनका जो सैलरी इंडिविजुअली देखेंगे वो एक छोटे कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। दे आर ड्रॉइंग ऑलमोस्ट 36 लाख पर ईयर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी, विच इज आई थिंक इज बिट टू मच। कंपनी के ऊपर कुछ टैक्स रिलेटेड एंड अदर लिटिगेशंस भी हैं, विच अगेन इज ए नेगेटिव। रिस्क में इस कंपनी ने बोला है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग एक्सपेंसिव एंड अनसर्टेन प्रोसेस। तो दिस कंपनी हैड फेल्ड टू कंप्लीट द आरबीआई कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगेन ए नेगेटिव। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये इनिशियली आपको बहुत अच्छे से अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है। नाउ
द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज है इस कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, ये इस पर्टिकुलर कुछ स्लाइड्स में मैं आपको दिखा, तो जैसे दिख रहा है कुछ एम्प्लॉयज लोगों को ये लोग इवन सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे कुछ ईयर्स एगो, एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन इशू रिगार्डिंग वेदर दिस इज ए एक्चुअली ए आईटी फर्म और ए लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर फर्म। सो बेसिकली उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, एंड ऑब्वियसली ये रिव्यू हो सकते हैं कि बायस्ड हो, बट आपको एक आइडिया मिल ही सकता है। होपफुली आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के बारे में जो इनसाइट मिलना था वो मिल गया है। अगर आपको इनसाइट एंड एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट कौन सा आप आईपीओ एनालिसिस करना चाहते हैं।